भागलपुर विश्वविद्यालय में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर आंदोलन हुआ तेज। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा टीएमबीयू के कुलपति का किया गया पुतला दहन। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी लगातार प्रदर्शनकारियों का अड्डा बनता जा रहा है। आज विश्वविद्यालय परिसर में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया गया। दरअसल तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के पीजी गर्ल्स हॉस्टल की चारदीवारी टूटी होने के कारण पीजी गर्ल्स हॉस्टल में रात के अंधेरे में बदमाश घुस जाते हैं, जिसको लेकर छात्राओं ने कुलपति को कई बार आवेदन दिया, लेकिन अभी तक हॉस्टल की चारदीवारी की मरम्मत नहीं कराई गई। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के पीजी गर्ल्स हॉस्टल की सुरक्षा भगवान भरोसे है। मामले से यूनिवर्सिटी प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है, जिसको लेकर आज ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा कुलपति का पुतला दहन किया गया। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि अगर जल्द ही चारदीवारी की मरम्मत नहीं कराई जाएगी तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। भागलपुर से संवाददाता अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। विद्यालय के जवाहरलाल कुलपति जो है लगभग चार महीना कुलपति आने से हो गया है, लेकिन विश्वविद्यालय में कहीं छात्रों के हित में काम दिखाई नहीं दे रहा है। लगभग सभी हॉस्टल जर्जर है, बिल्डिंग छतें गिर रही है, चारदीवारी भी टूटा हुआ है, चारदीवारी पे गोईठा पत्रा है। विश्वविद्यालय कुलपति को कहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा है और दीवार गिर जा रही है, बदमाश हॉस्टल घुस जा रहा है और मोबाइल छात्रावास से चोरी कर लेता है। लड़की छात्रावास में अभी हाल फिलहाल में घुसा है और विश्वविद्यालय के कुलपति आवास से भी बैटरी चोरी हो जा रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय इस पर कोई सुध ध्यान नहीं ले रहे हैं। इसीलिए हम लोग खिलाफ में अपना बुक है कि विश्वविद्यालय के जितना भी बिल्डिंग है जंजर है, उसकी मरम्मत जल्द से जल्द कराए, नहीं तो आज उसके खिलाफ में हम लोग पुतला फूके हैं। अगर नहीं विश्वविद्यालय कराएगी तो हम लोग चरमबद्ध आंदोलन करेंगे। विश्वविद्यालय संयोजक प्रवीण कुशवाहा आयसा।